0 पर आउट होते ही जो रूट ने खोया आपा, अंपायर को दिखाया बल्ला तो विराट कोहली ने ऐसे भेजा पवेलियन। रविवार को भारत के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज जो रूट बल्लेबाजी में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। लखनऊ के मैदान पर टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड से हुई, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 229 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद टीम के विकेट के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने सस्ते में आउट कर दिया। लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का छठा मुकाबला खेला। इस मैच में उसका सामना इंग्लैंड से हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया को न्योता दिया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह की तूफानी पारी के बूते भारत ने 229 रन जड़ दिए। 230 रन के लक्ष्य को हासिल करते हुए इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन डेविड मलोन के आउट हो जाने के बाद टीम के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान जो रूट को भी जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन वापस भेजा। वह बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे। जो रूट के आउट होते ही भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ उठी। इस बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली काफी उत्साहित दिखे। जब जो रूट मैदान से बाहर जा रहे थे, तब विराट कोहली अंपायर से मजे लेते दिखाई दिए। वहीं अब उनके इस रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।